की बच्ची कौन है अंबिका? वो पुलिस हमारे अनाथालय में इसे कहां से लाई? इसका कुल गोत्र परिवार, आज ही तो हमारा परिवार टूटा है। एक बहू की वजह से इस घर में बंटवारा हुआ है और तू इस बच्ची को गोद लेके अपनी बहू बनाना चाहती है? ऐसा अजीब सा संकल्प तूने क्यों ले लिया? माँ, हमारा परिवार आज के बाद कभी ना टूटे, फिर कभी हमारे घर में बंटवारा ना हो, बस इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है। कि तेरे मन की आस है अंबिका वो, पर हमारे समाज का चलन नहीं है ये सब। मैं जानती हूँ, कई लोग मुझे गलत समझेंगे, पूछेंगे कि मैंने इस बच्ची का भविष्य आज ही क्यों तय कर दिया, पर बा लोगों की सोच सही गलत का पैमाना नहीं होती। और अगर इसने बड़े होकर तुमसे पूछा कि जिंदगी के इतने बड़े पड़ाव का, इसकी शादी का निर्णय तूने किस अधिकार से लिया, तो क्या जवाब देगी? मैंने केसर को बहू बना के गोद लिया है, पर इसकी परवरिश मैं ऐसे करूंगी जैसे एक माँ अपनी बेटी की करती है। इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, इस काबिल बनाऊंगी कि इसे किसी के भरोसे ना रहना पड़े, पर इसे अपने एहसानों के बोझ के नीचे कभी दबने नहीं दूंगी। बस उम्मीद करूंगी कि बड़ी होकर ये मेरे संकल्प को समझे। तूने संकल्प ले ही लिया है तो मैं तेरा साथ दूंगी। ये जो तूने बहू के रूप में पालने की बात की है, ऐसी ही है जैसे आसमान में छेद करना, बिल्कुल असंभव। अनुभव से कह रही हूं अंबिका बहू, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और एक सास कभी मां नहीं बन सकती। यही सोच तो बदलनी है बा, क्यों नहीं बन सकती है एक बहू बेटी और सास मां? हो सकता है आसमान में छेद करना भी संभव हो, बस किसी ने जोर से पत्थर ही ना फेंका हो आज तक। असंभव में ही संभव की उम्मीद छुपी होती है, क्योंकि सास मां बहू बेटी होती है। क्योंकि सास माँ बहु बेटी होती है, 18 सितंबर से शाम 6:30 बजे ZTV और Z5 पर।